भैया कुछ भी कहिए, DRS जो है ना भैया माही भाई लिया करते थे, एक बार में बताते थे सही है कि नहीं है। ये रोहितवा को तीन तीन मिलल है और उसमें भी साला कंफ्यूज घूमते फिरता है। ओ भैया ध्यान से यार, कैप्टन है इंडियन टीम का। अच्छा रवि सुन ना। बोला। ये रोहित ने मुर्गिया पालना शुरू कर दिया क्या? है? क्यों? आजकल मैच में अंडे बहुत मार। भैया वो कवर चेक करना, चीकू भैया ने 5 IPL ट्रॉफी वहीं रखी होगी। देखो 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 काटो यार। अरे भैया मेरा नंबर कब आएगा? अरे जितना देर सैमसंग रहता है क्रिस पे। मतलब 7 मिनट। छोटू भैया के लिए चाय पकड़ ले। जानता हूँ आपके 7 मिनट। इसके लिए भी पानी बोल दे, ट्रॉफी देख के थक गया होगा। भाई चीकू गोट है, गोट। ये गधे की आवाज। कोई बात नहीं, रोहित भाई सबके बाप है बाप। अरे कोहली बाप है। ओ भैया ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। माही भाई से ऊपर कोई नहीं। भाई रिटायर हो गए आप। नहीं मैं बताऊं ना, रोहित बेस्ट है कोहली। अरे यार तू चुप कर यार। भैया फोन छोड़ो, आप बताओ रोहित बेस्ट है विराट बेस्ट है? मुझे नहीं पता, मैं क्रिकेट नहीं देखता। बेटा वो लोग आ गए। कौन आ गए? वही लोग जो चाहते हैं उस दिन रनआउट रोहित को नहीं गिल को होना चाहिए था। वही लोग जो बेंगलोर के लिए नहीं कोहली के लिए स्टेडियम में जाते। वही लोग जो चाहते हैं माही भाई फिर से लौट आए। वही लोग जो बास्केटबॉल कोर्ट में हॉकी स्टिक से क्रिकेट खेल लेते हैं। बेटा अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ? बाय गॉड। नॉट आउट भावा, नॉट आउट भावा। इस पेशेंट के लेग बिफोर बेटा क्या हुआ तुम्हें? पहले मेरी बहन क्रिकेट नहीं देखती थी और अब देखने लगी। क्या लेवल है 12th मैन? सिस्टर इनके हाईलाइट चेंज कीजिए, बेड नंबर 2 वाले के एक्स्ट्रा इनिंग के डोज में 2 घंटा और बढ़ाइए और बेड नंबर 4 वाले को धवन की रील्स दिखाइए, ठीक है? और रोहित की रिपोर्ट्स आ गई हैं? यस। उसके फादर आने वाले थे? यस, वो आपका केबिन में वेट कर रहे सर। आ गए वो? हाँ। मिस्टर रोहित के पापा आपका लौंडा क्रिकेट नहीं देख रहा है और इस बात की आपको भनक तक नहीं लगी, हाउ इज दिस पॉसिबल? डॉक्टर साहब उसके सारे दोस्त क्रिकेट देखते हैं तो मुझे लगा कि वो भी क्रिकेट देखता होगा। आपकी 5 उंगलियां 1 बराबर है? नहीं, पर रहती साथ में है ना जी। वाओ क्या हुआ? इतनी बढ़िया लाइनें लिख लेता हूँ। Anyway, coming back to the point, ये देखिए, ये हैं रोहित के रिपोर्ट्स। I'm very sorry to say, but उसे LBW syndrome है। ये क्या होता? Losers before winners। इस बीमारी में पेशेंट क्रिकेट को देखना बंद कर देता है जब उसकी फेवरेट टीम जीतना बंद कर देती है। लेकिन डॉक्टर साहब क्रिकेट में तो हार जीत लगी रहती है। वो सिर्फ टीम्स के लिए सर, टीम्स के लिए, फैंस के लिए नहीं। फैंस के लिए उनकी टीम हमेशा जीतनी चाहिए और एक बार उन्होंने जीतना बंद कर दिया वो आगे बढ़ जाते हैं। अरे इनको तो खेलने के पैसे मिलते हैं, हमें क्या? ऐसी मनगढ़ंत बात बोल के मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, किसी दूसरे स्पोर्ट्स में मन लगा लेते हैं। क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स होते हैं। खैर लेट्स नॉट लूज आवर होप्स। ये देखिए हमने रोहित पे स्पाइडर कैम टेस्ट किया एंड वी वर शॉक्ड एट द क्वालिटी ऑफ दिस प्रिंट, क्योंकि हमारा प्रिंटर 13 साल पुराना है, इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे आ गई? फिर हमने उसके कमरे में एक जोड़ा ग्लव्स और एक बॉल भेजा। उसने ग्लव्स का गोल पोस्ट बना के उससे फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। नॉकिंग करने के लिए उसके रूम में बॉल लटकाई तो रोहित ग्लव्स पहनकर बॉल के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लग गया और यहां तक कि हमने उसके कमरे में बुक्स भिजवाया।
ताकि वो उससे बुक क्रिकेट खेल सके, लेकिन उसने फोर, लेकिन उसने मैथ्स के दो सवाल सॉल्व किए। इक्वल टू फोर, हैंस प्रूव। कौन कहता मैथ डिफिकल्ट है? छे डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा कि मेरा लड़का ठीक हो जाए, फिर से क्रिकेट देखने लग जाए और मैं समाज में सर उठा के उसके लिए अच्छा दहेज मांग सकूं। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब संभालिए खुद को, डीआरएस में देर है, अंधेर नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारा नाम रोहित क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पापा रोहित के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन मैं तो रोहित के क्रिकेट में आने से पहले ही पैदा हो गया था। मैं कोई मिल गया वाले रोहित की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब क्रिकेट वाले रोहित के बारे में पता है तुम्हें? हाँ, वो एक दिन नाई की दुकान में कोहली और रोहित के फैंस के बीच में लड़ाई हो रही थी, तब मुझे पता चला था कि रोहित नाम का कोई प्लेयर है। तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुमने ये आवाज कहीं नहीं सुनी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इसको कोई सुनता भी होगा। मैं सिर्फ फुटबॉल का फैन हूँ सर, यहाँ पर मैच और कमेंट्री एकदम स्टैंडर्ड की होती है, एकदम टॉप नोच इंग्लिश। मैसी 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 करा मैसी 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 करा मैसी 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 गोल। लेकिन मैसी को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। हाँ, पर उसके फैंस को तो इंग्लिश आती है, हर चीज़ समझ आती है सर इंग्लिश कमेंट्री की। पूरे 320 दिन की हिस्ट्री शेड्यूलिंग पर हर दिन आधा घंटे प्रैक्टिस करके इंग्लिश सीखी है। और बाकी पूरा गेम अब इंग्लिश सीख लिए, धीरे धीरे फुटबॉल के रूल भी सीख जाऊंगा। ये बताओ, सोशल मीडिया पे मोस्ट लाइक पिक्चर कौन सी है? मैसी विद वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और दूसरी सबसे ज्यादा लाइक पिक्चर? पहले के बाद दूसरी को याद कौन रखता है। तुमने धोनी और जड्डू के साथ वाली पिक्चर को सोशल मीडिया पे लाइक भी नहीं किया है। सोशल मीडिया पे क्रिकेट की चीजें लूजर्स देखते हैं सर, और वैसे भी मैं सिर्फ 3 लोग को फॉलो करता हूँ, एलन मस्क, बिल गेट्स और पुनीत सुपरस्टार। तुमने ये इंडिया की सेलिब्रेशन वाली रील कभी नहीं देखी? नहीं सर, मुझे सिर्फ एक ही सेलिब्रेशन पता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? तुम्हें चेन्नई के विनिंग मैचेस नहीं पता, तुम्हें आकाश चोपड़ा की कमेंट्री के बारे में नहीं पता, तुम्हें विराट कोहली के कवर ड्राइव की खूबसूरती के बारे में नहीं पता, तुम्हें गंभीर के वर्ल्ड कप फाइनल में 95 रन नहीं पता। 97। क्या बोला सर? मैं चलता हूँ, मैं ठीक हूँ सर। बट 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 रिक्वेस्ट फॉर डीआरएस। Can I see side angle, please? I made my decision. He said 97. अच्छा ये बताओ, 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज ने एक ओवर में सिर्फ 5 छक्के क्यों मारे? छठे पे आउट क्यों हो गया था वो? पता नहीं सर, उसका मन नहीं होगा। नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद द्रविड़ ने अपनी गंजी उठा के हवा में क्यों लहराई थी? नहीं पता सर, मेरे को नहीं पता। थाला के जर्सी का नंबर 8 क्यों है, 9 क्यों नहीं है? अम्मा बहन पर आ जाऊंगा मैं, अम्मा बहन पर आ जाऊंगा तेरी मैं। युवराज ने एक ओवर में 5 नहीं 6 छक्के मारे थे, और जर्सी द्रविड़ ने नहीं दादा ने उतारी थी, और थाला का जर्सी का नंबर 7 है, 8 नहीं। हाँ मैं भी देखता था सारे मैच, सब पता है मेरे को, पर अब क्यों देखूं? पिछले 12 साल में कितने ICC टूर्नामेंट जीते हम लोग, ना वनडे वर्ल्ड कप, ना T20, ना टेस्ट चैंपियनशिप, और ये तो एक रीजन है मैच ना देखने का। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है हिंदी कमेंट्री का गिरता हुआ स्तर। ये कोई कमेंट्री है? नीले पड़ गए पीलों पर भारी, छोटा तीर करे गांव गंभीर, और वो ये इतना आसान कैच तो शोले का ठाकुर भी पकड़ लेता। ये कमेंट्री चली, मजाक चल रहा है सर। इंडिया अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया, सुपर ओवर हो रहा है। ये इन्हीं हरकतों की वजह से मैं नहीं देखता बायलेटरल सीरीज में मचा रहा है। तो आपकी तरह सॉफ्ट फैन नहीं हूं मैं, आई एम हार्ड कोर क्रिकेट फैन। जब भी इंडिया ICC में हारती है ना, तो मेरे सारे फ्रेंड, सारे फैमिली मेंबर आराम से सो जाते हैं, पर मेरे जैसे फैन कुन्ने में जाके रोते हैं। काश रोहित ने वो शॉट नहीं खेला होता, काश धोनी क्रीज पर पहुंच गया होता, काश कोहली ने वो पुल शॉट नहीं खेला होता, काश काश करते रह जाते हैं हम बस। हर 4 साल में अपना दिल तोड़वाने का ठेका नहीं ले रखा हमने। अरे बायलेटरल सीरीज जीत के झूठी उम्मीद तो मत दो हमें। IPL सीरीज जीत के आप जैसे सॉफ्ट फैन खुश हो जाते होंगे,
पर मैं खुश तभी हूंगा जब धोनी जैसा बंदा आखिरी बॉल पर फिर से छक्का मारेगा और कमेंट्री में आवाज आएगी, MS धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप। ठीक है ठीक है, नहीं मतलब हार जीत तो गेम का हिस्सा है ना भाई, और अभी 2024 का वर्ल्ड कप भी आने वाला है, टीम भी स्ट्रांग लग रही है, क्या पता इस बार चांस हो इस बार जीत जाए। और तुम्हें अगर हिंदी कमेंट्री नहीं पसंद है तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश तो सीख ही लिए हो तुम। नो मींस नो, मैं मैच देखना फिर से चालू नहीं करूंगा। मैं गोल्फ देख देख कर खुद को बोर कर मार डालूंगा, लेकिन मैं मैच देखना दोबारा चालू नहीं करूंगा। सर सुपर ओवर भी टाई हो गया, दूसरा सुपर ओवर हो रहा है, आ जाओ। मतलब एक और सुपर ओवर होगा? अरे नहीं, अरे भाई 2024 का वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगी, मतलब दूसरी टीम के लिए टफ तो नहीं पर मुश्किल जरूर होगा। सही कहा यार, मच्छर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बास्केट जितनी ऊंचाई कहीं उड़ सकता। एंड इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड यू आर अ क्रिकेट फैन, गो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स विद स्पीड ऑफ अ ट्रेसर बुलेट। वायर क्या गगन चुम्मी इंग्लिश बोलने लगी एकदम से? चिट भाई ये सब डुओलिंगो का कमाल है, मैंने भी ऐप डाउनलोड करके अपनी इंग्लिश स्टार्ट कर ली। मतलब अब तो इंग्लिश में लड़कों से रिजेक्ट होने वाली है ना। भाई ये ले मेरे नेक्स्ट वीडियो। यू आल्सो जॉइन मिलियंस ऑफ हैप्पी लर्नर्स एंड डाउनलोड द डुओलिंगो ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टुडे। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पत्ती।